कॉमेडियन वीर दास एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन पर देश का अपमान करने का आरोप लगा है। उनके विवादित बयान की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों से कई लोग उनसे नाराज हैं तो कई उनका समर्थन कर रहे हैं। ट्रोल होने पर वीर दास ने अपनी सफाई भी पेश की है। वीर दास भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर दिए गए एक बयान के चलते मुश्किल में पड़ गए हैं। आपको बता दें कि वीर दास इन दिनों अमेरिका में हैं। बीते दिनों उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर आई कम फ्रॉम टू इंडियाज टाइटल वाला एक वीडियो अपलोड किया था। यह वीडियो हाल में ही जॉन एफ कैनेडी सेंटर वॉशिंगटन डीसी में उनकी एक लाइव परफॉर्मेंस का हिस्सा थी। इस 6 मिनट के वीडियो में वीर दास ने देश के लोगों के दोहरे चरित्र पर बात की, जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी, दुष्कर्म की घटनाओं और हास्य कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई से लेकर किसान प्रदर्शन जैसे मुद्दों को अपनी कॉमेडी का हिस्सा बनाया। लेकिन ये वीडियो सामने आते ही देश के लोगों की भावनाएं आहत हो गईं। अब सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ट्विटर पर सामने आई वीर दास के इस वीडियो का एक हिस्सा शेयर करके लोग उन्हें जमकर लताड़ रहे हैं। इस वीडियो क्लिप में वीर दास को कहते सुना जा सकता है, मैं एक ऐसे भारत से आता हूं जहां दिन में स्त्री की पूजा होती है और रात में उनके साथ दुष्कर्म होता है। मैं उस भारत से आता हूं जहां AQI 9000 है, फिर भी हम अपनी छतों पर लेटकर रात में तारे गिनते हैं। मैं उस भारत से आता हूं जहां हम वेजिटेरियन होने में गर्व महसूस करते हैं लेकिन उन्हीं किसानों को कष्ट देते हैं। वीर दास को अब अपमानित करने वाले शब्दों के कारण विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो को शेयर करके बीजेपी कार्यकर्ता प्रीति गांधी ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि देश के बारे में ये बयान घिनौना और बकवास है। इस बयान को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के एडवोकेट आशुतोष जे दुबे ने कॉमेडियन के खिलाफ शिकायत की है, जिसकी एक कॉपी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। अपने खिलाफ एक्शन होते देख और लोगों की नाराजगी झेलने के बाद वीर दास ने सोशल मीडिया पर सफाई दी है। उन्होंने एक पोस्ट लिखा है कि उनका इरादा देश का अपमान करने का नहीं था, बल्कि उनका इरादा यह याद दिलाने रहा है कि देश अपने तमाम मुद्दों के बाद भी महान है। पोस्ट में उन्होंने कहा है कि एक ही विषय के बारे में दो अलग विचार रखने वाले लोगों के बारे में वीडियो में बात हो रही है और ये किसी तरह का कोई रहस्य नहीं है जिसे लोग जानते नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।